क्या आप भी अपने फोन के डायलर में पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं ताकि आपके बिना परमिशन के कोई भी आपके फोन के डायलर को यूज न कर सके? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूं। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। डायलर में पासवर्ड सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको ये ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये ऐप लॉक का ऑप्शन यहाँ नहीं मिले तो आपको ऊपर सर्च सेटिंग्स पर क्लिक करके ऐप लॉक लिखकर सर्च करना है। ऐप लॉक लिखकर सर्च करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको बता दें, मेरा मोबाइल MI का है, इसलिए ऐप लॉक का ऑप्शन सिंपल सर्च में मिल गया। हो सकता है आपका मोबाइल किसी दूसरे कंपनी का हो और ये ऑप्शन कहीं और देखने को मिले, इसलिए आपको ध्यान से अपने मोबाइल में ऐप लॉक के ऑप्शन को खोज लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको नीचे टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको पैटर्न सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को सेट करेंगे, इसलिए सेट पैटर्न के नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही यहाँ से तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट आपको यहां से सेकंड ऑप्शन पिन को सिलेक्ट करना है। पिन को सिलेक्ट करते ही यहां से पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहां पर अपने पासवर्ड को डाल देना है, जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं। पासवर्ड डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही सेम पासवर्ड को डाल देना है। दो बार सेम पासवर्ड को डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन सिलेक्ट मिलेगा, बट आपको यहाँ से सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट कर देना है। सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट करने के बाद नीचे कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर का ऑप्शन मिलेगा, बस आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यूज ऐप लॉक पर क्लिक करते ही आपके डायलर में पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने डायलर को ओपन करके चेक करते हैं पासवर्ड सेट हुआ है या नहीं। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, डायलर को ओपन करते ही यहां से पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो चलिए हम अपने पासवर्ड को डायल कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पासवर्ड को डालते ही मेरा डायलर ओपन हो चुका है।